झारखंड राज्य के कर्मचारी चयन आयोग के रवैये से परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के पास धरना दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जेएसएससी जानबूझकर मेरिट लिस्ट बनाने में देर कर रही है, जिससे उनकी नियुक्ति प्रभावित हो रही है। भारत में आज शिक्षक दिवस की धूम है, तमाम लोग शिक्षकों को बधाई दे रहे हैं। शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि ये राष्ट्र निर्माता होते हैं, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची जेएसएससी कार्यालय के पास अपनी नौकरी की मांग को लेकर ये तमाम होने वाले शिक्षक न्याय की मांग कर रहे हैं। हाथों में देखेंगे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटो और उसके साथ न्याय की मांग, हक की मांग, जेएसएससी की नींद तोड़ने की कोशिश, लेकिन जेएसएससी अपनी नींद नहीं तोड़ रहा है। तमाम लोगों के हाथ में एक ही मांग कि जेएसएससी अपनी नींद तोड़े और शिक्षक नियुक्ति के लिए जो मेरिट लिस्ट है उसको लागू करे, लेकिन शायद अब तक जेएसएससी अपनी नींद तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो और जेएसएससी कार्यालय पहली बार में आपको ऐसा दिखेगा जैसे होटवार जेल हो। इसके ताले कभी नहीं खुलते, चाहे 1000-2000 अभ्यर्थी यहाँ क्यों ना जाए। हाथों में देखेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर और नियुक्ति की मांग को लेकर तमाम लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर, जेएसएससी अपनी नींद कब तोड़ेगा, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग जेएसएससी से रिजल्ट लेने के लिए आए हैं सर। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2000 की बहाली था और अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। जेएसएससी हमें बार बार कहती थी कि अभी मामला न्यायालय में, लेकिन हम लोग मामला न्यायालय से क्लियर हो गया है, वहां से आदेश भी आ गया है कि इनकी नियुक्ति जल्दी किया जाए। दरवाजा नहीं खुलता, ये तमाम दीदी लोग, तमाम लोगों को स्कूल में होना चाहिए, आज इन्हें बधाई दी जानी चाहिए थी, लेकिन विडंबना देखेंगे, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर ये लोग जेएसएससी कार्यालय के पास रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हाथ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर, आपको बधाई दी गई है शिक्षक होने की? हम लोग खुद अपनी बधाई एक दूसरे को दे दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को स्कूल जाने का ये अभी तक मौका ही नहीं मिला है। 4-5 साल से हम लोग रोड पे ही है। नियुक्ति का साल क्या था? 2016 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल में गोद का बच्चा भी चलने लगता है, लेकिन इनकी नियुक्ति पर पता नहीं कौन सा पत्थर पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे मैडम? सर ये क्या बोले कि यहाँ हम लोग रोड में हैं और बाकी लोग तो वहाँ स्कूल में साथ में पढ़े, साथ में ही एग्जाम दिए हैं, एक साथ सभी लोग, लेकिन हमारा विडंबना है कि जेएसएससी के कानून में भी ये नहीं सुनाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब साफ है कि इनकी मांगे अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरवाजे पर तक पहुँचेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को जरूर पूरा करेंगे। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। पूरे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।